हेलो फ्रेंड्स, केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इंडिविजुअल्स की रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी वो हमारी 31/12/2021 थी। दैट मींस कि इंडिविजुअल्स की रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल हो सकते थे, वो डेट हमारी चली गई है। लेकिन ऐसे पर्सन है जिनकी अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना रह गया है, वो 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के। अब यहाँ पर हम एक समझ में आती है कि सिर्फ लेट फीस लगती है। अब लेट फीस अगर आप चाहते हैं कि विदाउट लेट फीस अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है ये आपकी जो टैक्सेबल इनकम है यहाँ अप टू ₹2,50,000 की होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपकी ग्रॉस ₹1,00,000 आई उसमें से आपने कुछ भी करके फॉर एग्जाम्पल ₹50,000 तो आपकी नेट इनकम कितनी आई ₹2,50,000 अप टू ₹2,50,000 पेनल्टी है, नील पेनल्टी है। दैट मीन्स अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नेट इनकम आपकी ₹2,50,000 तक है तो आपको कोई फीस पे नहीं, लेट फीस पे नहीं करनी है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 to 5,00,000 तक जाती है तो आपको ₹1,000 की लेट फीस लगती है, और अगर आपकी इनकम 5 to ऊपर जाती है तो आपको ₹5,000 की लेट फीस लगती है, उससे ज्यादा भी लेट फीस लग सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर किसी ने 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और बिना लेट फीस अगर फाइल करना है आपको तो अपनी जो इनकम है वो आप 2,50,000 रुपीज दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।